हेलो दोस्तों, कैसे हो? सब बढ़िया हो? आज का टॉपिक है कि इस गर्मी में फिश को कैसे बचाएं। अभी अहमदाबाद का टेम्परेचर 45 डिग्री है और फिश को जिंदा रहने के लिए 22 से 28 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए। डिपेंड करता है कौन सी फिश है। जैसे कभी इस गर्मी में टेट्रास फिश होती है उसको ज़्यादा दिक्कत होती है, बेटा फिश को ज़्यादा दिक्कत होती है, गोरामी की ड्रॉफ की जो वेराइटीज़ होती है उसको ज़्यादा दिक्कत होती है, गप्पीज को ज़्यादा दिक्कत होती है। इस फिश को बचाने के लिए हमें अपना एक्वेरियम का टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। काफ़ी व्यूअर्स ऐसा बताते हैं कि हम आइस बोतल डालते हैं, किसी ने बताया कि हम ठंडा फ्रिज का पानी अंदर ऐड कर देते हैं। नहीं, ये सही प्रैक्टिस नहीं है। अगर आप आइस डालोगे या ठंडा पानी डालोगे टेम्परेचर सडनली डाउन हो जाएगा और फिश के लिए ये बहुत ही स्ट्रेसफुल एटमोसफियर बनेगा, क्योंकि फिश को टेम्परेचर मेंटेन चाहिए। सडनली डाउन होने वाला या सडनली अप होने वाला टेम्परेचर फिश के लिए सही नहीं है। आपको फिश का टेम्परेचर कंटिन्यूसली मेंटेन रखना है और इसके लिए आप कूलिंग फैन यूज़ कर सकते हो या एक्वेरियम को ऐसे एटमोसफियर में आप रखिए कि जहाँ ज़्यादा वेरिएशन ना आता हो टेम्परेचर का, इस जगह पर रखिए। तो अभी मैं आपके लिए एक छोटी प्रोडक्ट लेके आया हूँ जिसको एक्वेरियम कूलिंग फैन बोला जाता है और वो आप छोटे टैंक में, बड़े टैंक में, किसी भी टैंक में आप इजीली माउंट कर सकते हो आप, और वो टेम्परेचर को नॉर्मली रखता है जिससे फिश स्ट्रेस में नहीं रहेगी और अच्छी तरह से रहेगी। अगर आपको पता होना चाहिए कि अगर आपका टेम्परेचर हाई है एक्वेरियम का तो ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाएगा, फिश सारी ऊपर की साइड फ्लोटिंग करेगी, गैस्पिंग करेगी, बबल बनाएगी, क्योंकि वो सर्वाइव करने की ट्राई करेगी, ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो जाएगा। तो ये मैं अभी जो आपको बता रहा हूँ वो छोटा कॉम्पैक्ट कूलिंग फैन है जो नैनो टैंक में बहुत अच्छी तरह से काम करता है और जिस हिसाब से आपका टैंक है इस हिसाब से उसका चीलर या बड़ी साइज का कूलिंग फैन भी मार्केट में अवेलेबल होता है, आप कोई भी बाय कर सकते हैं। अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये छोटा कूलिंग फैन है, RS इलेक्ट्रिक कंपनी की प्रोडक्ट है, ये नैनो टैंक के लिए चलेगा, एक फीट से डेढ़ फीट तक के में ये काम कर सकता है। अगर आपका प्लांटेशन टैंक है, बेटा टैंक है, गप्पीज के लिए आपने छोटा सेटअप किया है, इसमें अच्छी तरह से रिजल्ट देगा। अब कैसे ऐसे वर्क करता है मैं आपको पूरा इंस्टॉलेशन उसको दिखाता हूँ आपको बाय वीडियो। उसमें ज़्यादा कोई फंक्शंस नहीं होते, आप जस्ट आपको हैंग ऑन करना होता है और स्विच ऑन करनी होती है। उसमें सिर्फ दो मोड होते हैं, एक आउटलेट और एक इनलेट, बस हवा खींचेगा और हवा अंदर की साइड पास करेगा जिसकी वजह से टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। इसमें ज़्यादा कोई फंक्शन नहीं होता, कोई एक्सपर्टीज की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ आपको एक्वेरियम में लगा देना है, वो बाहर की साइड रहेगा, हैंग ऑन रहेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ लाइव कि कैसे लगा गया। आप देखिए मेरा टैंक, ये मेरा गप्पी फिश का टैंक सेटअप है। इसमें मैंने एक्सरे फिश भी रखी हुई है, ये लाइव प्लांटेशन टैंक है। इसमें मैंने ये चिलर लगाया हुआ है, कुछ नहीं होता, सिर्फ हैंग ऑन करना होता है, ऐसे क्लैंप ही करना होता है। यहाँ से एयर सक्शन करेगा और यहाँ से वो ऊपर की साइड से फ्लो बार फेंकेगा, आपको सिर्फ ये क्लच करना होता है और यहाँ पे एक उसकी स्विच दी होती है ऑन ऑफ के लिए। तो सिंपल है, आपको हैंग कर देना और कुछ नहीं करना है, वो अपने आप टेम्परेचर मेंटेन रखेगा और फिश के लिए अच्छा एटमोसफियर बनेगा। देखिए मेरी गप्पी कितनी खुश है अभी इस ठंडी में, उसे लगता है कि मैंने AC लगवा दिया है उसके लिए। ये प्रोडक्ट आप कहीं से भी ले सकते हैं, ऑनलाइन भी अवेलेबल है। ये प्रोडक्ट आपको चाहिए तो आप नीचे इस वीडियो में दिए गए नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल गुजरात में हम फ्री होम डिलीवरी आपको दिलाएंगे और आउट ऑफ गुजरात हम चार्जेबल रेंट पे आपको डिलीवरी दे सकते हैं। इस प्रोडक्ट के बारे में कोई भी आपको क्वेरी हो, कुछ जानना हो तो आप हमारा कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर दिया है।